हेलो एंड नमस्कार। इससे पहले कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आज मैं यहाँ किस लिए हूँ, मैं बात करना चाहूँगा दागों के बारे में। कपड़ों और फैब्रिक पर लगे दाग, और कोई मामूली दाग नहीं बल्कि मुश्किल दाग, टफ स्टेन्स। नॉर्मली आप दाग हटाने के लिए कपड़ों को डिटर्जेंट में सोक करते हैं, मगर मुश्किल दाग पूरी तरह से नहीं जाते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि डिटर्जेंट कपड़ों को धोने के लिए है, दाग हटाने का एक्सपर्ट नहीं। तो फिर क्या करें? गौर से देखिए, मेरे पास है एक कलरफुल टी शर्ट और इसमें चाय का सूखा हुआ दाग पहले से ही लगा हुआ है। ये तो हम सब जानते हैं कि चाय का दाग सूख जाने के बाद उसे रिमूव करना कितना मुश्किल होता है। और इन बॉटल्स में है कुछ खतरनाक और रोजमर्रे के दाग। तो चलिए अब इस टी शर्ट पे बरस पड़ते हैं। सबसे पहले बीट रूट का दाग, अब अनार जूस, टू मोर स्टेन्स, केचप का दाग, ये दाग बहुत ही आम है, एंड नाउ आयोडीन टिंचर, इसका दाग तो हाथों से नहीं जाता, कपड़ों की सोचिए। देखने में कितना मुश्किल लग रहा है ना इसे रिमूव करना। चलिए अब मैं इस टी शर्ट को दो पीस में काट देता हूं। अब एक तरफ आपका नॉर्मल प्रोसेस है, दाग लगे कपड़ों को डिटर्जेंट में सोक करना, एंड दूसरी तरफ गुनगुने पानी में एक्सपर्ट स्टेन रिमूवर वैनिश। एंड नाउ विल स्टर। अब मैं इन दोनों कपड़ों को इन अलग अलग टब में डाल देता हूं। अब 10 मिनट लिए इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब टाइम हो गया है इन कपड़ों को बाहर निकालने का। डिटर्जेंट में धुले कपड़े पे दाग पूरी तरह साफ नहीं हुए। लेकिन वैनिश को देखिए, वैनिश में धुले कपड़े से दाग पूरी तरह साफ। रिजल्ट आपके सामने है, वैनिश में है डिटर्जेंट से 10 गुना ज्यादा ऑक्सीजन, मुश्किल दाग गायब और कपड़ों का कलर भी से। तो हुआ ना ये दाग हटाने का एक्सपर्ट। तो अब से जब भी कपड़ों पर दाग लगे, ऑलवेज सोक इन वैनिश और फिर बाद में कपड़ों को नॉर्मली धो लीजिए। जस्ट लाइक मैजिक, ऑल योर प्रॉब्लम्स विल वैनिश।